So hello dear students, my name is Himanshu Sharma and along with me Mahesh Kumar Jaisar, and we welcomes you on India's greatest learning platform Utkarsh Engineers Classes. And today we are here to announce a very important notification released by the ISRO, and basically this is the apprenticeship program that is announced by ISRO, and it is basically related to the southern region of India, and you can see the different states covered during this program. That is, you can see Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Pondicherry. And please Mahesh Kumar Jaisar, please tell us students what are the different requirements and what are the reasons for our Hindi students also. नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। इसरो के द्वारा एक मतलब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम निकाला गया है 2023 और 24 के लिए, और बेसिकली ये जो निकाला गया है ये डिफरेंट जो स्टेट है लाइक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पांडिचेरी के लिए आपके लिए निकाला गया है। जो अब इसमें कितना मतलब कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने रहने वाली है उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और एक और बात पर डिस्कशन करेंगे कि किस ब्रांच में ये सारी की सारी वैकेंसी निकली हुई है। सर basically this program or this program is related for the BTech and the diploma students who completed their BTech and diploma in a different branches, and later on we will tell you the different branches and the requirement and the aggregate percentage and the different documents required for this program. So Mahesh Kumar Jaisar, please tell us student what are the different branches and what are the requirements. सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग मतलब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 5 पोस्ट निकली हुई है, और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग सभी टाइप की जो भी ब्रांच है उनमें ये प्रोग्राम में नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे तो 5, 5, 3, 1 और 1। और अगर हम इसके योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने बी और बीटेक फर्स्ट क्लास से पास आउट मतलब 60% मार्क्स से इन्होंने मांगा हुआ है, और अगर CGPA की बात करें तो 6.32 इन्होंने मांगा हुआ है। सर exactly, so now you can see on your screen that the different branches covered in this program. You can see the electronics and communication engineering, and here you can see there are 5 number of posts, and here computer science and engineering, here also 5 number of posts, and electrical and electronics engineering, here 3 posts you can see, and the civil engineering and mechanical engineering one post. And the requirement for this program, you can see the pass in first class in BE and BTech in the respective field with the no less than 60%, and if there is a program of a CGPA, so you can see here 6.32 CGPA minimum this CGPA is allowed. And one more thing I would like to tell you that the monthly stipend given by ISRO is 9000 rupees. बिल्कुल, अगर हम आगे इस पर बात करें कि आगे अगर अपन ये आपके पास जो प्रोग्राम हुआ इसी तरह से एक अगर अपन बात करें लाइब्रेरी साइंस, इसमें भी 2 पोस्ट आपके सामने हैं, और वही फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और वही 60% से कम इसमें आपके पास आपका डिग्री में नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की, ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंट ब्रांचेज में आपके पास ये नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने दी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस इसमें भी 10 है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी आपके पास 6 नंबर ऑफ पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 2 और मैकेनिकल में भी आपके पास 2 मतलब 2 पोस्ट इसमें निकाली हुई है। अगर हम बात करें इसकी योग्यता की या क्वालिफिकेशन की, तो उन्होंने कहा है कि आपकी जो डिग्री हो आपका जो डिग्री है बी ए या बी टेक वो आपका 6% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास CGPA के अंतर्गत आपके पास 6.32 का यहाँ पर होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। Exactly, so now we are going to discuss the second program that is the technician apprenticeship, and you can see the different branches covered during covered in this program. You can see electronics and communication engineering, here you can see the 10 number of post, computer science engineering there are 10 number of post, electrical and electronics engineering 6 number of post, civil engineering and mechanical engineering 2 posts are here. And now you can see the minimum requirement or the minimum percentage, so it is 60%, or if there is a provision of CGPA in your college, so you can see 6.32 CGPA is required. There is a minute difference in the what you can see stipend. Here is 8000 rupees per month stipend is given by ISRO. अगर हम आगे बात करें डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में क्या है, तो यहाँ पर डिप्लोमा में आपने कहा डिप्लोमा इन कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस में लगभग 23 नंबर ऑफ पोस्ट निकली है। और अगर वही बात अपन करें कि भैया इसमें अगर योग्य मतलब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस में होना चाहिए। और ऐसा उन्होंने कोई मतलब एक क्राइटेरिया नहीं दिया कि 60% से कम होना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। अब Exactly, so now you can see the diploma students here also there is a good news for you that you can see diploma if you completed your diploma in the commercial and computer science, so here 23 number of posts are there and it 8,000 stipend monthly stipend is here। And one more thing, what are the requirements? So you can see passed in the diploma in commercial practice from the recognized board, here is no boundation of the percentage and 8,000 rupees stipend and 23 post and for what? Computer science and you can see computer practice or commercial if you completed your diploma in this branch। तो अब बात आती है कि आवेदन कैसे किया जाएगा सर? तो आवेदन किया जाएगा, इन्होंने बोला कि आपको आवेदन जो करोगे वो उमंग पोर्टल से ही आवेदन किया जाएगा। और इसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात कही है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उन दस्तावेज को आप जेपीजी बोला हुआ है साहब, जेपीजी या फिर जेपीईजी और या पीएनजी, इस फॉर्मेट में आपको रखना है और आगे की प्रोसेसिंग के लिए आपको तैयार रहना है। ओके, सो यू कैन सी हाउ टू अप्लाई दिस for this post, so you can see the candidate shall fill the application in the Umang portal and you can see Umang portal and the candidate are advised to upload the following documents in the JPG and PNG format to further processing and shortlisting the candidate। And one more thing, you can see degree and diploma mark sheet certificate all semesters year in one file, not exceeding the 1 MB। So I suggest you that you must go through this ISRO website and go through this notification completely, the minute detail you have to go this notification on the ISRO website। आपको अपनी जितनी भी फाइल है उनका कितना MB होना चाहिए, इन्होंने बिल्कुल डिटेल में इस पर बात की है कि जब भी आप इसको अपलोड करें तो 1 MB से कम की आपकी जो फाइल है, सेमेस्टर की डिग्री हो गई या आपके पास पूरा मतलब पूरे ईयर का डिग्री हो गया, डिप्लोमा की मार्कशीट हो गई, उसके बारे में इन्होंने बोला कि 1 MB से कम का नहीं होना चाहिए, वन फाइल नॉट एक्सीड मतलब 1 MB से कम की नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इन्होंने इसी तरह से बोला हुआ, जो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो केयरफुली आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िए और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, यू कैन सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी द ऑल करस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट शैल बी डन थ्रू द ईमेल ओनली, सो देयर इज अ ओनली मोड ऑफ कनेक्शन और यू कैन सी द ट्रांसफरिंग द डेटा और व्हाट द इंफॉर्मेशन इज ओनली व्हाट योर ईमेल आईडी, सो you have to create your email id if you not have that email id, so you have to create your email id and if you have, so you have to write your email id properly in your notification or in your form। सारी की सारी जो भी क्रियाएं यहाँ पर की जाएगी वो मेल के थ्रू की जाएगी, इसलिए आप अपने मेल को चेक करिए। अगर आप में किसी भी तरह से, जैसे इन्होंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे बोला है कि अगर आपकी स्पैम है या किसी बल्क मेल फोल्डर के कारण आपको भेजे गए, आपने उसको नहीं देखा और इसका जो नुकसान है वो आपको ही भरना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इन्होंने बात की है कि भैया आपको जो पोर्टल पर जाना है, जो नामांकन करना है, वो इन्होंने बोला भाई इसका यहाँ पर आप इस पोर्टल पर जाकर आवेदन करते समय उमंग पोर्टल में अपनी नामांकन आईडी प्रदान करो। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि यही आपको करना है, बेसिकली देखा जाए तो यही है, मतलब बेसिकली ये www.mhrdnats.gov.in इस पर आपको जाना है। So basically students you can see the website given by the ISRO and you must go through this website and go through this notification and you have to read all the minute details given in the notification। Okay, so now we are going forward and now we are going to discuss how to apply the National Apprenticeship ट्रेनिंग स्कीम NATS, how to apply, so please Mahesh sir tell us the students about। सबसे पहले अगर बात करें कि अगर आपका जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी है, वो क्या करेंगे, वो इस वेबसाइट पर आपको जाना है जो यहाँ पर बोला हुआ है mhrdnats.gov.in, इस पर आपको जाना है। और इस पर आपको अपनी मेल जो भी मतलब आपको एक ID बनानी है, अपनी उम्मीदवारी दर्ज करते समय उम्मीदवार को डिग्री या डिप्लोमा का जो है सरकार द्वारा जारी एक वैध ID अपलोड करना आवश्यक होगा। और उसके बाद नामांकन संख्या आपको दी जाएगी और उसी से आपके आगे प्रोसेसिंग होने वाली है आपको. तो बेसिकली स्टूडेंट्स यू कैन सी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, सो व्हाट यू नीड टू गो थ्रू दिस वेबसाइट एंड यू हैव टू अप्लाई ऑन द उमंग पोर्टल एंड द different things are given. You can see application will be received, different things I am reading here. Application will be received through the Umang portal only, and interested candidate have to register, log in the Umang portal through this website, and you have to apply your form. And opening of this online application is 13/5, you can see 13/5/2023, and the closing of this online application is 2/6/2023. ऑनलाइन आवेदन का जो आपके पास प्रारंभ हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, वो 13 मई से आपके पास स्टार्टिंग हो रहा है. और अगर इसकी क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो वो क्लोजिंग डेट आपके पास 2 जून रहने वाला है. तो ध्यान रखिएगा, आपके पास जो ड्यूरेशन है वो लगभग 17-18 दिन का ड्यूरेशन इन्होंने दिया है. और आपका जो भी आपको इस फॉर्म को फिल करना है वो उमंग पोर्टल की वेबसाइट के थ्रू ही करना है, और कोई और मोड इसमें नहीं दिया हुआ है. यहाँ पर इन्होंने ये चीज बोली हुई है. और अगले बात करें सर, तो एक वे मतलब आपके पास एक मेल आईडी होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, जिससे आप विजिट करते हो और आपका होना चाहिए. मतलब बेसिकली क्या, ऐसा नहीं हो कि वो डेड हो जाए और बहुत लंबे टाइम से आपने यूज नहीं किया और उससे आपने कर लिया हो. तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो भी आपके पास ये कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी बातचीत करेंगे, वो मेल आईडी के थ्रू ही आपसे करने वाले हैं. सो देयर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन बाय द ISRO. यू कैन सी द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज अ वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी टू रजिस्टर, व्हिच विल बी यूज्ड फॉर the further communication as well. An application can be submitted only once with a particular email ID. So avoid duplicate application form or the multiple email ID. So you have to use a proper email ID. So that's why I already told you that you have to check your email ID that is working or not. And if you not have a valid email ID, so please make your email ID firstly. अगर आगे हम बात करें यहाँ पर कि इन्होंने एक बात और कही है कि जो आपके पास जितने भी आपके पास सिग्नेचर्स हो गए या फिर फोटो जो आपका पिक्स हो जाएगा, जो आपका फोटो होगा, उसमें आपको जो फोटो की साइज रखनी है वो अधिकतम मैक्सिमम साइज 50 KB रख सकते हैं. और अगर आप साइन की बात करें तो उसका भी इन्होंने 50 KB की साइज, मतलब इसको आपको बड़े ध्यान से इस पर फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉर्म रिजेक्शन का कारण बना हुआ है कि जो फोटो अपलोड करते हैं उसकी कभी साइज ज़्यादा होती है, कभी उनके जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपन उस फोटो को अपलोड नहीं करते हैं, साइन को अपलोड नहीं करते. तो इन्होंने इस पर भी खासा ध्यान लगाया हुआ है कि आप इस बात को ध्यान रखें. So students are suggested to go through this website or go through this notification. So you can see there are different requirements for the maximum size, that is 50 KB for the photo, and the signature it is 50 KB, and you have to follow all the rules and regulation that is given by the ISRO for the different documents and different signs and the photos. Please proceed sir. आगे हम बात करें तो इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात, चयन प्रक्रिया की बात की हुई है कि इन्होंने बोला हुआ है कि जो इनका पैनल है वो आपके जो आपकी डिग्री और डिप्लोमा में जो आपके परसेंटेज है उसके बेसिस पर वो सेलेक्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स को. यहाँ पर साफ यही लिखा हुआ है. तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ये रहने वाला है आपके पास. सो स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड बाय द योर कंप्लीट द नंबर और यू कैन सी द योर CGPA स्कोर और द मार्क्स यू अटेंड इन योर डिप्लोमा एंड डिग्री. देयर इज नो सच काइंड ऑफ टेस्ट और नो सच काइंड ऑफ इंटरव्यू विल बी देयर. सो only there is a selection process based on your percentage that you got in your different branches and your diploma and degree. और जो भी आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको इन्फॉर्मेशन ओनली थ्रू द मेल आईडी मिलेगा, इसलिए उन्होंने बहुत फोकस होके ये बात आपसे मेल आईडी के थ्रू करने के लिए बोला, इसलिए मेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर आगे हम बात करें तो आगे अगर कोई जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार देख सकते हैं. So you must go through this notification once after seeing this video. You have to go through the ISRO website and go through this notification and read all the minute detail given by the ISRO. अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ बेसिकली, तो ये आपके पास पोस्ट निकली हुई ISRO में अप्रेंटिसशिप के लिए, और उसमें आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 मई है और जो क्लोजिंग डेट है वो आपके पास 2 जून दे रखी इन्होंने. इन दो बातों पर आप ध्यान रखिएगा और पूरे में पूरे के पूरे इस नोटिफिकेशन को आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप अगर चाहें तो उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको ये मिल जाने वाला है। बेसिकली स्टूडेंट्स यू हैव टू सी दिस टू डेट्स वेरी केयरफुली, 13/5/2023 and 26/2023. So these the closing and opening of this notification dates, and you can go through the ISRO website or you can download from the website. If you are not able to get the form notification, you can go through the Utkarsh Engineers Classes Telegram channel and you can get this notification here also. Thank you so much.